आप देख रहे हैं न्यूज एट नाइन और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे कि करगिल में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के पांचवें इंतखाबात के सिलसिले में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, गिनती जारी है। इस हवाले से थ्री टियर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, लद्दाख पुलिस सीआरपीएफ और फौज की तैनाती की गई है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी गई है, हर पार्टी का एजेंट इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए बैलेट बॉक्स को देख सकता है। करगिल में 77.61% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी, 370 की मनसूखी और यूटी बनने के बाद ये यहां पहले इंतखाबात हैं। 26 हलकों के लिए कुल 85 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच अलायंस हुआ है और इनका बीजेपी के साथ सख्त मुकाबला बताया जा रहा है। तो करगिल में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के पांचवें इंतखाब यानी LAHDC लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट कौंसिल, करगिल में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के पांचवें इंतखाबात के सिलसिले में वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है और जो बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी एक अहम चूंकि एक अंसर है तो इसलिए सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए थ्री टीयर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, लद्दाख पुलिस सीआरपीएफ और फौज की तैनाती की गई है। हमारे साथ नूरुल इस्लाम हमारे रिपोर्टर करगिल से जुड़ चुके हैं बराह रास्त। नूरुल इस्लाम, मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त काउंटिंग की रफ्तार क्या है और किस तरह के इंतजाम हैं और किस तरह की सरगर्मियाँ हैं? जी हाँ, मैं आपको यहाँ एक चीज बताते चलूँ कि इस वक्त मैं हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसको जो है यहाँ स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है तीन लेयर के जो सिक्योरिटी, थ्री टाइप सिक्योरिटी यहाँ रखा गया है। और जिस तरह जो 4 तारीख को जो इलेक्शन हुए थे, आज उनका जैन आज 8 तारीख का आज जो है उनका फैसला होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 85 कैंडिडेट जो है जो कि 26 सीट के लिए जो लड़ रहे हैं, आज उनका फैसला होने वाला है। और यहाँ जो यहाँ जिला प्रशासन ने काफी तैयारी किया हुआ है, जिस तरह कल ही डीसी साहब ने जिस तरह कहा था कि यहाँ सीसीटीवी हाई डेफिनेशन जो है कैमरेज लगाए हैं ताकि एजेंट्स और जो मीडिया वाले हैं वो जो है बाहर रास्ते जो है अंदर जो भी चीज हो रहा है वो देख सके। जी जी, तो चूंकि ये जो काउंटिंग आज जारी है, ये काउंटिंग क्या 8 बजे एग्जैक्टली शुरू हो चुकी थी और ये काउंटिंग कब तक मुकम्मल होने का इम्कान है और साथ ही साथ ये कि रुझान कब तक आ जाएंगे, कितना वक्त लग सकता रुझान आएंगे? जी हाँ, मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि जो सुबह का जो काउंटिंग जो आज जो काउंटिंग था सुबह के 8 बजे जो शुरू हुआ है, मगर इस वक्त जो है जो ईवीएम्स के नहीं बल्कि इस वक्त जो है पहले जो तीन जगह हैं कारगिल के जिसमें बम्बट पादुम और खंगराल के जो है वहाँ पोस्टल बैलेट पेपर जो सबसे पहले इस टाइम जो है काउंट हो रहे हैं और जो रिजल्ट है वो लगभग जो है 4 बजे तक जो है जितने भी यहाँ काउंटिंग वो 4 बजे तक खत्म हो जाएगा। जी नूरुल इस्लाम, जो जो पार्टियाँ इस चुनाव में हिस्सेदार थी या जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स थे उनकी किस तरह की गहमागहमी आप देख पा रहे हैं, लोगों में इस बात को लेकर कितनी चर्चा है? चूंकि चुनाव का नोटिफिकेशन एक बार जो है उसे मनसूख कर दिया गया था, दोबारा नोटिफिकेशन आया, कुछ सियासी वहां पर नुक्ताचीनी भी जोरदार ढंग से हुई, तो नतीजा जो है वो जब आ जाएगा या उसके आने से पहले किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, अगर हम इस पर यहाँ माहौल की बात करें तो जिस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जिसकी वजह थोड़ा सा डिले हो गया था, जिसकी वजह से लोगों में जो है थोड़ा सा जो जोश कम नजर आ रहा था, मगर इलेक्शन के जब हमें परसेंटेज मिल गए तो काफी जो है हैरान करने वाले परसेंटेज थे, 77% जो यहाँ वोट कास्ट हुए। और लोगों का भी अगर मैं बात करूँ इस पर जो है हम काउंटिंग सेंटर के अंदर है स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर, तो बाहर जो है कम से कम हजारों लोग जो है इसी रिजल्ट के वेट करें और अंदर की बात करें एजेंट से जो एजेंट से जो कैंडिडेट है वो यहाँ आए हुए हैं इसी रिजल्ट का जो है वेट कर रहे हैं। जी, क्या हमें कुछ आसपास के नजारे आप दिखा सकते हैं अपने कैमरामैन से कहकर? जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ, जी आप मेरे इधर यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह ये स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ बनाया गया है, यहाँ जो है काफी जैसे कि थ्री टायर्स के जो सिक्योरिटी यहाँ रखा गया था, यहाँ जो है पैरामिलिट्री फोर्स, यहाँ सीआरपीएफ और लद्दाख पुलिस की जो अमला है यहाँ रखी गई है ताकि किसी भी तरह की अनफिरमी ना हो। और उसी के साथ साथ यहाँ जो है यहाँ आप मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मीडिया सेल बनाया गया है जहाँ जो है कि बराह रास्त जो है अंदर से रिजल्ट जो है यहाँ आप आराम से देख सकते हैं।
इस वक्त आप जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, बराह रास्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ जितने भी आप यहाँ है, यहाँ एजेंट्स और मीडिया कर्मी हैं जो इसको जो अंदर से रिजल्ट है वो बराह रास्त जो है बाहर निकाल रहे हैं। इस वक्त जो है पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है। जी अब जाहिर है कि ये पहला इलेक्शन है यूटी बनने के बाद, और इस पहले इलेक्शन को लेकर लोगों में दिलचस्पियां भी देखी गई। अब जो आज नतीजा आ सकता है, जाहिर सी बात है अभी वोटों की गिनती चल रही है, लेकिन क्या लग रहा है रुझान किस तरफ जाने वाला है? जो वहाँ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इस पूरे चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? जी हाँ, अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें तो जिस तरह मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कारगिल में पहले भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफी जो है दबाव रहा है, और खासकर इस बार के इलेक्शन की बात करें कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस का जो अलायंस है जिसका टक्कर जो सीधा सीधा है भाजपा की बात है जनता पार्टी के साथ है, मगर जहाँ हम पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें तो इस बार जो है काफी जो लोगों का भी कहना है कि जो शुक्रिया। अलायंस जो बना हुआ है एनसी एंड कांग्रेस का, उसका जो है यहाँ रुझान देखने को मिल रहा है। जी नूरुल इस्लाम, कितनी सीटें ऐसी हैं 26 में से जिस पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इत्तेहाद की सीटें दी है, वहां पर इत्तेहाद को उम्मीदवार बनाया है? जी हाँ, मैं आपको बात यहाँ एक चीज, जिस तरह अलायंस की हम बात करेंगे तो अलायंस में ऐसा है कि जिस तरह जो 17+ जो 22 है उसको देखकर ऐसा ही लगता है जिस तरह जो यहाँ जिस तरह पहले भी काउंसिल में जो यहाँ बना हुआ है जिस तरह भाजपा का है जो जिस तरह पहले था कि भाजपा के साथ जो 3 जो पीडीपी के बने थे, इस बार जो है अलायंस और जो कांग्रेस का है उसी का काफी यहाँ प्रभाव रहने वाला है। नूरुल इस्लाम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो चुनाव हुए, अब जाहिर है तो वोटों की गिनती हो रही है, अगले 2-3 घंटों में शायद ये जाहिर हो जाए कि एलएचटीसी का सेहरा जो है या उसका ताज किसके सर बनने वाला है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि मुद्दे इस बार क्या क्या हावी रहे थे, किन किन पार्टियों ने किन किन मुद्दों को ज़्यादा हाईलाइट किया था या उनके इर्द गिर्द अपना कैंपेन जो है वो फोकस रखा था? जी हाँ, जिस तरह इलेक्शंस जिस तरह पे मैनिफेस्टोस की भी बात करें, मुद्दों की बात करें, तो जिस तरह इलेक्शंस जब हुए तो खासकर इस बार आफ्टर दी एब्रोगेशन ऑफ 370 यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लोग जो है डेवलपमेंट, जॉब सिक्योरिटी और सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ जो है काफी लोगों ने जो है रुझान रखा, और इवन जो पोलिटिकल पार्टीज है उनका भी यही मैनिफेस्टो भी रहा है, उनका यही मुद्दे रहे हैं कि जितना हो सके जो सपोर्ट्स जो यहाँ जो जो है सपोर्ट्स के जितने भी यहाँ से जाते हैं, या एजुकेशन को लेकर या खासकर जॉब इनसिक्योरिटी को लेकर ये लोग काफी जो है जो इस बार जो पॉलिटिकल पार्टीज उसको जी काफी ध्यान रख रहे हैं। और वहीं पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी जितने भी एलएचडीसी के इलेक्शन होते थे उसमें पोस्टल बैलेट पेपर्स के थ्रू वोट किए, हमारे इस बार जो है ईवीएम्स के थ्रू वोट किया गया, जिसकी वजह से लोगों में काफी जो है जोश भी नजर देखने को आ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम फिर दोबारा आपके पास लौटेंगे और अपडेट लेंगे कि, और ये भी जानना चाहेंगे कि कितने राउंड की गिनती हो गई है और इस राउंड की गिनती लीड लेता हुआ कौन नजर आ रहा है।